अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब होंगे बिल्कुल ठीक, और मैं भी ठीक हूँ। और आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ मैंगो कस्टर्ड आइसक्रीम की रेसिपी। तो आप चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है दूध। तो ये 2 लीटर दूध है, इसमें से आधा मैं निकाल लूँगी बॉईल करने के बाद। और इसको हमें जब तक पकाना है तब तक ये अच्छा सा गाढ़ा ना हो जाए, तो बस इसको पकने देते हैं। और यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 2 आम। तो ये दोनों आमों को मेरे को छीलना है, और उसके बाद मैं छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी इसके, और फिर मिक्सर ग्राइंडर में इसका अच्छा सा बारीक पेस्ट बना लूँगी। तो बस ये आम मेरे छिल चुके हैं, और अब मैं इसको पेस्ट बना लेती हूँ। तो ये बारीक बारीक काटे हैं मैंने इनको, ताकि अच्छे से पीस जाएँ, इसमें कोई भी ऐसे पीसेस ना रहें। तो बस इसको पीस लेती हूँ, फिर इसको लास्ट में हमें यूज़ करना है आइसक्रीम में, तो मैं बाद में ऐड करूँगी। तो बस ये पीस चुके हैं आम, और इसमें थोड़े भी पीसेस बचे नहीं है, बारीक सा पेस्ट बन गया अच्छे से। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप शक्कर। तो ये शक्कर मैंने इसमें ऐड कर दी है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं जितना मीठा आप खाते हो। तो मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध में 1 कप शक्कर ली है, और मैंगो भी मीठे हैं तो उसकी वजह से भी मीठापन रहेगा, तो आप अपने हिसाब से डाल लें। तो बस इसको अच्छे से चलाती रहूँगी ताकि ये शक्कर अच्छे से घुल जाए। तो बस शक्कर को जब तक घोलना है, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्रीमी टेस्ट लाने के लिए डाल रही हूँ कॉर्नफ्लावर। तो मैंने इसको 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर को अच्छे से पानी में दूध में मिला लिया है। आप चाहें तो इसको पानी में मिला के भी डाल सकते हैं। तो बस मैं ठंडे दूध में मिलाया है इसको, और अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि ये तले में बैठे नहीं। तो मैं इसको गहरे भगोने में बना रही हूँ, आप जो भी भगोने में बनाना चाहें बना सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा गहरा है और इसमें से दूध भी बॉयल होकर निकल नहीं सकता है, इसलिए मैंने इसका यूज़ किया है। आप चाहे नॉन स्टिक कढ़ाई में बना सकते हैं, भगोने में, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसमें बना सकते हैं। तो बस इसको अच्छे से ठीक कर लेना है हमें, और अच्छा सा क्रीमी टेस्ट लाने के लिए इसमें मैं कस्टर्ड पाउडर भी यूज़ करूँगी अभी। तो बस अभी मैंने कॉर्नफ्लावर डाला है, और इसको चलाते रहूँगी ताकि ये थोड़ा सा ठीक हो जाए। जैसे बाज़ार में मिलती है आइसक्रीम अच्छी सी क्रीमी होती है, तो वो लोग तो इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं डालते हैं। मैं यहाँ पर इसमें ड्राई फ्रूट डालूँगी, टूटी फूटी डालूँगी, बादाम डालूँगी, और चिरौंजी डालूँगी। अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए अच्छे से ठीक हो चुका है, मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड किया था। तो बस ये देखिए अच्छे से बॉइल आ चुका है, और बहुत ही ठीक हो चुका है। तो ये दूध अच्छे से तैयार हो चुका है। अब मुझे इसे लास्ट में डालना है कस्टर्ड पाउडर। तो मैंने यहाँ पर ये वेनीला वाला लिया है, क्योंकि मुझे मैंगो ऐड करना है इसमें, तो उसका कलर भी अच्छे से आ जाएगा। और मैंगो फ्लेवर की बना रही हूँ मैं, आप जो चाहें उस फ्लेवर की बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मैंगो ऐड करूँगी, आप चाहें तो इसमें पाइनएप्पल ऐड कर सकते हैं अवेलेबल हो तो, या पाइनएप्पल एसेंस भी डाल सकते हैं। आजकल अलग अलग तरह के एसेंस भी आते हैं, तो आप प्लेन बना सकते हैं। इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह डालना चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। बाज़ार में तो ज़्यादातर प्लेन ही आइसक्रीम मिलती है, तो आप अपने हिसाब से जिस फ्लेवर की बनाना चाहें बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मैंगो ऐड करना है, तो मैंने इसमें वेनिला फ्लेवर ही लिया है, मेरे पास चॉकलेटी फ्लेवर का भी है। तो बस मैंने मैंगो के हिसाब से इसको लिया है, और देखिए मैं चम्मच पर देख रही हूँ कि अच्छे से ठीक हो रहा है, और ये जमने लगा है। तो बस इसको हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो इसको अच्छे से ठंडा हो जाएगा जब मैं इसको किसी भी बॉक्स वगैरह में लेकर इसको फ्रीज़र में रख दूँगी सेट होने के लिए। तो 3-4 घंटे के लिए हम इसको रख देंगे, और फिर इसको निकालना है हमें, एक बार और मिक्सर में चलाना है पड़ेगा क्रीमी आइसक्रीम बनाने के लिए। तो ये बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो बस देखिए आप कितना ठीक हो चुका है, बस इतना ही ठीक चाहिए हमें। तो आपके पास टिफ़िन बॉक्स हो, या कोई भी स्टील का डब्बा हो जिस पर ढक्कन हो, तो वो ले लें आप, या जो भी आपके पास अवेलेबल हो जिसमें आपको सेट करना हो वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है ये केक मोल्ड, तो मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। इसके ऊपर मैं डाल दूँगी एल्यूमिनियम फाइल, ताकि इस पर जो बर्फ़ वगैरह ना जमे, और हमारी आइसक्रीम जो है अच्छे से क्रीमी बनकर तैयार हो। तो ये सेट हो चुकी है, थोड़ा सा बैटर बच गया है, तो मैं उसको बाद में डालूंगी। और ड्राई फ्रूट लिए हैं मैंने, अगर आपको पसंद है तो आप इस पर यूज़ कर लेना। अभी मैं 3-4 घंटे में फिर से निकाल कर उसको मिक्सर ग्राइंडर में चलाऊँगी, तो इसलिए मैंने ड्राई फ्रूट अभी नहीं डालने हैं, तो ये मैं बाद में डालूँगी। तो चलिए अब इसको रख देते हैं फ्रीज़र में, और फ्रीज़र में से निकालने के बाद मैं इसको मिक्सर में चला लूँगी। तो बस मैंने इसको रख दिया था, और 3-4 घंटे के बाद मैंने इसको निकाल लिया है, और अच्छे से इसको मैं फेंट रही हूँ। तो ये विक्स से फेंट रही हूँ, क्योंकि लाइट नहीं है, और ये जम चुकी थी थोड़ी, तो मैंने इसको निकाल लिया है और अच्छे से फेंट लिया है। बहुत ही क्रीमी आइसक्रीम बनकर तैयार हो गई थी। तो ये आइसक्रीम हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, और बहुत अच्छे से सेट भी हो चुकी है।
तो ये देखिए बहुत टाइट हो चुकी है ये, उसको 2-3 मिनट के लिए मैं बाहर ही रखूँगी 10 मिनट के लिए, उसके बाद निकाल कर बताऊँगी। तो ये आइसक्रीम हमारी तैयार हो चुकी है और बहुत ही टेस्टी बनी थी, तो थोड़ी देर इसको बाहर ही रखेंगे। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक, और बहुत ही क्रीमी बनी थी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें।